तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इमेज रिसाइजिंग, कैनवास रिसाइजिंग और इमेज मिररिंग से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें हम किस तरह से कर रहे होते हैं। देखिए, अब इसमें सबसे पहले तो इमेज रिसाइजिंग कैसे होगी। आप आए पहले इधर, ये एक इमेज है। अब इसका क्या साइज़ है, इसको जानने के लिए आप जाएंगे इमेज में और यहाँ से क्लिक करेंगे इमेज साइज के ऊपर, या फिर आप अपने कीबोर्ड से दबाएंगे अल्टर कंट्रोल आई। ठीक है, तो मैंने दबाया अल्टर कंट्रोल आई तो ये खुल गया मेरा इमेज साइज। अब इमेज साइज मुझे क्या कर रहा है, इमेज साइज मुझे तस्वीर की विड्थ दिखा रहा है, हाइट दिखा रहा है और रेजोल्यूशन दिखा रहा है इंचेस, और यहाँ ऊपर दिखा रहा है इन पिक्सल में। रेजोल्यूशन पिक्सल इंचेस दोनों में दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे विड्थ और हाइट जो है शो कर रहा है पिक्सल के अतबार से, यानी कि स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे हमें शो कर रहा है यानी कि प्रिंट आउट के मदद से कि हम इंचेस पे अगर कोई चीज करना चाह रहे हैं। मतलब दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं, मतलब इनमें से अगर हम को पिक्सल बेहतर समझ में आता है तो हम पिक्सल में इसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं, और अगर हमें इंचेस बेहतर समझ में आता है तो इंचेस में कर सकते हैं। इसकी हाइट को पिक्सल में सेट करना चाहते हैं पिक्सल में कर लें, और इंचेस में करना चाह रहे हैं तो इंचेस में कर लें। लेकिन ये दो अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको इंचेस में कंट्रोल करना है तो यहाँ से करेंगे, और पिक्सल में कंट्रोल करना है तो यहाँ से करेंगे। उसके बाद रेजोल्यूशन में आप इसकी एक इंच में कितने पिक्सल्स चाहते हैं, तो हम कह देते हैं 100 चाहते हैं। ठीक है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड साइज है इसका। ठीक है ना, तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर अच्छा कंप्यूटर है तो 300 600 तक भी रख सकते हैं, उतनी फिर पिक्चर की क्वालिटी इंप्रूव होगी और साइज भी बढ़ जाएगा। अब मैं इसका साइज कैसे चाहता हूँ, यहाँ पर एक चेक है कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शंस का। अब कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शंस क्या करता है, देखिए ये चीज जितनी भी बड़ी है मैं इसको कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन कर देता हूँ, तो अब अगर मैं इसको कम करता हूँ या ज्यादा करता हूँ तो एक चीज को मैं कम करूंगा, दूसरी चीज को वो खुद इसकी प्रोपोर्शन डायरेक्शन के हिसाब से कम कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं इसकी विड्थ को कम करके 17 से 8 कर देता हूँ तो इसकी हाइट को ये ऑटोमेटिक करके 5 कर देगा। मतलब किसी भी हालत में पिक्चर का जो प्रोपोर्शन है, जो उसका एग्जैक्ट व्यू है, वो खराब नहीं होगा, भले आप उसके साइज को कम कर लें, बड़ा कर लें, या उससे भी ज्यादा बड़ा कर लें। ये आपको फायदा होता है कंस्टेंट प्रोपोर्शन से। अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल अल्टर आई, इमेजरी साइज दोबारा चलेगा इसके अंदर। लेकिन अगर मैं कंस्टेंट प्रोपोर्शन से चेक हटाऊंगा तो अब मेरी मर्जी है, मैं विड्थ और हाइट को अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं विड्थ को कहता हूँ सपोज टू बी 8 और हाइट को मैं कहता हूँ 4, सॉरी ठीक है, फिर ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, ओके करूंगा। तो अब देखिए मेरी पिक्चर जो है विड्थ में ज्यादा हो गई और हाइट में कम हो गई। तो ये दो मेथड है जिस तरीके से आप अपनी पिक्चर को चाहे रिसाइज कर लें। अच्छा, दूसरे पे आते हैं कैनवस साइज। अब कैनवस साइज कहाँ हेल्प करेगा, देखिए मैंने एक पिक्चर खोली, अपनी एक ड्राइंग खोली जो खुल गई थी ऑलरेडी, ये पिक्चर खुली हुई है या कोई पिक्चर पे काम कर रहा हूँ। कैनवस किसे कहते हैं, ये जो आप एक न्यू फाइल करके ले रहे होते हैं ना, ये आपका एक कैनवस है, ये आपका क्या है, कैनवस। और अब ये इस पिक्चर ने पूरा कैनवस ही हमारा कवर किया हुआ है। अभी भाई मुझे तो क्या करना है कि मुझे कैनवस में और स्पेस चाहिए, कैनवस में क्या चाहिए, और स्पेस चाहिए। अब कितना स्पेस चाहिए मैं डिसाइड कर लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से क्लिक करूंगा कैनवस साइज, अल्टर कंट्रोल सी, इसकी शॉर्ट की आप पढ़ लिया करें, आगे आप बार बार पूछ रहे होते हैं, शॉर्ट कीज आगे लिखी भी होती है। ठीक है, अल्टर कंट्रोल सी, तो कैनवस साइज आ जाएगा। कैनवस साइज जब आपके सामने आ जाएगा तो पिक्चर के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी इससे पहले हमने जो इमेज साइज किया था वो इमेज यानी पिक्चर के साइज पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, लेकिन अब पिक्चर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अब इसके कैनवस पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि हमें कैनवस में स्पेस चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे नीचे की तरफ 2 इंच का स्पेस और चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इंचेस में आ रहा है। अगर आप इसको पिक्सल में रखेंगे तो पिक्सल में कैलकुलेट करेंगे, वो ये जर में रखने की बात, तो इंचेस पर रखते हैं। तो इसकी हाइट देखें आपकी कितनी है, 10.667। मैं यहाँ से कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, और कैलकुलेटर खोल के मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ। तो ये कैलकुलेटर मैंने ले लिया यहाँ से, और कैलकुलेटर में क्लिक कर दिया, ये मेरे सामने कैलकुलेटर आ गया। अब मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया और कंट्रोल सी किया, यहाँ पे लगे कंट्रोल वी किया, ये इसकी हाइट निकल आई। मुझे कितना स्पेस चाहिए, 2 इंच नीचे और चाहिए, तो +2 एंटर, कितना हो गया 12.667। कंट्रोल सी और कॉपी किया, और मैंने इसकी हाइट सेक्शन में लेके पेस्ट कर दिया। आप खुद कैलकुलेट करके लिखना चाहते हैं आपकी मर्जी है, मैंने तो इस तरह से कर लिया। अब ये स्पेस नीचे चाहिए ऊपर चाहिए कैनवस में, अगर आपको नीचे चाहिए तो या ऊपर क्लिक करना है एरो पे, और अगर नीचे चाहिए तो ऊपर, यानी कि उसके अपोजिट करना है काम। तो मैंने कहा मुझे नीचे चाहिए, क्लिक किया और उसको मैंने क्या कर दिया, ओके। तो ये देखें नीचे स्पेस निकल आया। ठीक है, अच्छा अभी ग्रीन क्यों निकला, ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं निकला, उसकी वजह है आपने इसको अनलॉक नहीं किया था पिक्चर को। अगर अनलॉक कर लेते और फिर जब इसको आप कंटिन्यू करते, आप देखिएगा अब ये ट्रांसपेरेंट निकल के आ जाएगा। ओके कर दें यहाँ से, ये देखिए, तो आपको इमेज के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैनवस का साइज पहले से एनलार्ज हो गया। सिमिलरली लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, इसी तरह से आप कर सकते हैं अल्टर कंट्रोल सी। अब लेफ्ट पे कितना स्पेस चाहिए, 3 इंच ज्यादा चाहिए, तो फिर आप जाएं दोबारा कैलकुलेटर पे, इस वैल्यू को ले लें यहाँ से, कॉपी कर लें और यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल वी कर दें, प्लस कर दें, 3 एंटर कर दें, कंट्रोल सी कर लें, कॉपी कर लें, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें। अब कहाँ चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए,
राइट पे चाहिए तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करके कर देंगे। ये देखिए निकल आया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी एंगल से जो आप चाहें। इस पर बैकग्राउंड दे सकते हैं, इसमें कलर दे सकते हैं, इसमें शेड्स दे सकते हैं और ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा एंड देन फिर इसके नीचे इस तरह से नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो इससे हम पिक्चर में कोई इफेक्ट वगैरह भी डालना चाहें तो यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके हम इसके अंदर बीवेल का एक इफेक्ट डाल देते हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरह से बीवेल हो जाएगा और इसके ऊपर हम इसकी डेप्थ या डाउन कर देते हैं और इसकी डेप्थ को थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं, सॉफ्ट बढ़ा देते हैं, साइज थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ये इस तरह से नजर आ रहा है। नहीं तो आप इसके ऊपर ड्रॉप शैडो लगा दें, ड्रॉप शैडो लगा के इस पर क्लिक कर दें यहाँ से क्लिक करके, ये थोड़ा सा पिक्चर आपको उससे उठी हुई नजर आ रही होगी। रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखें इस तरह से नजर आ रहा होगा। तो कंट्रोल सेट कर देते हैं, ये पिक्चर में हमने निकाल लिया कैनवस के साइज को। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इनको दोनों को अंडू कर रहा हूँ ताकि मैं दोबारा से इसकी जो पहली हालत थी उसमें ले आया। कंट्रोल अल्टर जेड एक से ज्यादा अंडू करने के लिए मैं इसका मिरर बनाना चाह रहा हूँ। तो कैनवस साइज भी आप समझ गए, इमेज साइज भी समझ गए। अब मिरर कैसे बनता है इमेज का, वेरी सिंपल। आप यहाँ से कैनवस को दोबारा से ऑन कर लें, कंट्रोल अल्टर सी। फोटोशॉप में जितनी आप शॉर्ट कीज को अच्छी तरह रट लेंगे तो बार बार ये माउस को उधर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कीबोर्ड से ही काम हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात है, ये काम करेंगे तो प्रोफेशनलिज्म भी आता है और आप काम जल्दी जल्दी करने लग जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है भाई, मुझे इसके बराबर में इसका मिरर बनाना है। मिरर समझते हैं ना, जब हम मिरर में कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे अपोजिट बिल्कुल ऐसे नजर आती है जैसे वो हमसे बिल्कुल अपोजिट है। तो अब इसका मिरर हम राइट साइड पे बनाना चाह रहे हैं। तो राइट साइड पे मिरर कैसे बनेगा कि मुझे इतना ही स्पेस कैनवेस में और चाहिए होगा। तो मैं इसकी विड्थ को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ से कैलकुलेटर को लेता हूँ, यहाँ से स्केप करके क्लियर करता हूँ, कंट्रोल वी, सॉरी कॉपी, मल्टीप्लाई बाय टू। तो ये निकल आया इसका डबल। तो मैंने किया इसको कंट्रोल सी और यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ को लिया, कंट्रोल वी और यहाँ से मैंने क्लिक करा इसको और कर दिया ओके। तो ये देखें उतना ही साइज ऑटोमेटिकली निकल आया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये करने वाला हूँ, इस लेयर की करूंगा डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट लेयर करने के लिए कौन सी शॉर्ट की, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे किया, उसके बाद मैंने इसको मूव टूल लिया जो ऊपर वाला था, पकड़ के पिक्चर को इसके आगे सेट किया। ठीक है, अब इसका मिरर कैसे बनेगा, मिरर करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और यहाँ से कहेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे ही फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे ये देखिए इसका परफेक्ट मिरर बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसका मिरर बना सकते हैं। ऐसी अक्सर सीनरीज आपने दुकानों पे और घर में कहीं भी लगी हुई देखी होंगी, अक्सर पहले समंदर के किनारे जाके लोग ऐसी फोटो बनवाया करते थे तो पोलोराइड कैमरा पे। अब ये इस तरह से आपने इसके अंदर बना लिया तो ये एक बैनर का भी शेप बन सकता है, आप इसमें जो चाहें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में देख लेना। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी पिक्चर को लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पिक्चर का हम बनाएंगे मिरर। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने किया यहाँ पे डबल क्लिक और उसको किया अनलॉक और यहाँ से हम इसका राइट साइड पे बनाते हैं एक मिनट। तो यहाँ पे गए ऑल्टर कंट्रोल सब सी और तो इसके खुल गया कैनवस साइज और यहाँ से गए इसके विड्थ पे, कॉपी किया, यहाँ से क्लिक करके कैलकुलेटर लिया, क्लियर कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल मल्टीप्लाई बाय टू कर दिया, कंट्रोल सी कर दिया और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया और ये राइट साइड पे लिया, मैं इस साइड पे बनाना चाह रहा हूँ, ओके कर दिया। सिंपल कंट्रोल जे डुप्लीकेट किया और आपने इसको पकड़ के लेकर आया इस साइड पर, लाने के बाद एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये देखिए इसका एक और मिरर बन गया। अक्सर कार्टून्स के अंदर जो आप देखते हैं ना बैकग्राउंड्स और कुछ मूवीज में भी वो इसी तरह से बना दिए जाते हैं, एक बैकग्राउंड लेते हैं और उसको फिर मिरर 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 करके खींच जाते हैं और वो फिर पूरा बैकग्राउंड बन जाता है। तो देखिए ये भी बैकग्राउंड बन गया, इसमें क्या तो चल रहा है, इस तरह से बन सकते हैं घर एक ही उसी स्टाइल से। ठीक है, तो तीसरी को भी हम मिरर कर लेते हैं, इस वाली को भी मिरर करेंगे तो ये इसी तरह का इफेक्ट इम्पैक्ट बन जाएगा। तो यहाँ से आपने इसको डबल क्लिक किया, ओके किया और यहाँ से आपने इमेज साइज में से कैनवस साइज लिया और इसकी विड्थ को यहाँ से लिया कॉपी और इसको हमने यहाँ से कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल मल्टीप्लाई बाय टू कर दिया, कंट्रोल सी कर दिया और यहाँ पे इसकी विड्थ को लेके मैंने टच कर दिया राइट साइड पे लिया और इसको ओके करके कंट्रोल जे कर दिया, पिक्चर को यहाँ से मूव किया इस साइड पे, पूरी मूव हो गई यहाँ पे और फिर मैं गया इमेज में और सॉरी एडिट में और यहाँ से जाके मैंने इसको कर दिया हॉरिजॉन्टल। तो ये लीजिए, ये भी इसका मिरर बन गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स को आप मिरर करके एक अच्छे से बैकग्राउंड या सीनरी टाइप बना सकते हैं और वो उसको कंटिन्यू करेगा। अच्छा, अब दूसरा मिरर जो बनता है इसका, वो हम बना सकते हैं इसका वर्टिकल मिरर बना सकते हैं। ये फोटो है, ये वर्टिकल फोटो है, इसका वर्टिकल मिरर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे एंड देन ओके करेंगे एंड देन इमेज साइज में जाएंगे और फिर यहाँ से कैनवस साइज में जाएंगे, यहाँ से इसकी हाइट को लिया हमने कॉपी एंड देन फिर गए हम इस पर, देन किया पेस्ट एंड देन कॉपी किया, दोबारा से मल्टीप्लाई बाय टू कर दिया, कंट्रोल सी किया, हाइट लिया, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, टॉप पे क्लिक किया और ओके कर दिया, कंट्रोल जे किया और यहाँ से इसको उठा के लिया नीचे। ठीक है, नीचे रखा हमने इसके साथ
ओके okay, अब हमने गया एडिट, एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल की बजाय क्या कर दिया, फ्लिप वर्टिकल। तो ये इस तरह से आ गया। अब इसमें थोड़ा सा ये इस तरह का मिरर इसका वर्टिकल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप इसमें फोटोशॉप में बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आप इसका इमेज रिसाइजिंग, कन्वेस साइजिंग, इमेज मिररिंग, ये आप अपने फोटोज़ के साथ ऑलवेज करना चाहते हैं और करते रहेंगे, ये इस तरह से इस पर होता रहेगा।